मेरा नाम ओमवती गंगवार है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारा ये कार्यक्रम है, एक दिवसीय उपवास रखा है हम लोगों ने। और ये उपवास इसलिए रखा है कि हमारी जो 62 वर्ष की आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको सरकार बिना पेंशन दिए, बिना कोई फंड ग्रेचुटी कुछ भी नहीं दे करके ऐसे ही उनको भीख का कटोरा उनके हाथ में थमाकर उनको रिटायर कर रही है। उनसे उनका काम भी छीना जा रहा है और उनको कोई पेंशन भी नहीं दे रही है। जुलाई का काम करना, उसके विरोध में हम लोग उनके समर्थन में इस उपवास में बैठे हैं आज। और हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम उनको 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाए और कम से कम 10,000 रुपए उनको रिटायरमेंट पर पेंशन दी जाए और उनकी जो है सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए। रिटायरमेंट का ये पहली बार सरकार ने निकाला है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रिटायर किया जाएगा। इससे पहले अब तक जो महिलाएं काम कर रही हैं इसमें कुछ काफ़ी एज महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, वो इसी लालच में कर रही हैं कि इस योजना में जब निकाली जाती है, जगह निकलती है तो उसमें साफ लिखा होता है उनके पत्र में कि इसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पहले वरीयता दी जाएगी, जिसमें तमाम विकलांग महिलाएँ हैं, विधवा महिलाएँ हैं और तलाकशुदा जो निराश्रित महिलाएं हैं उनका कोई सहारा ही नहीं है, वो आंगनवाड़ी में वर्क करती हैं। उसके बाद में उनको अब आप 65 वर्ष की आयु या 62 वर्ष की आयु में आप रिटायर कर रहे हो और भीख का कटोरा उनके हाथ में थमा रहे हो। कितनी महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं हैं, पति तो नहीं है, विधवा रखी गई हैं, आपने रखी है, पति नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है, उसका क्या सहारा है? अब वो कैसे क्या खाएगी, कहाँ जाएगी? नहीं, पहले भी कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन आज का जो है भाई, आज की महंगाई को देखते हुए आपने देखा था जब पहले आज से 40-42 साल पहले हमारी योजना शुरू हुई थी तो सोने का जो रेट था वो 3-4 हज़ार रुपये को था, आज जो है 50,000 पार कर रहा है। और आज की जो महंगाई है वो कमर तोड़ महंगाई है। आज की महंगाई को देखते हुए हम लोगों का जो मानदेय है उसमें हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। और फिर हमारी जो बहनें रिटायर हो रही हैं उनके पास तो आगे कोई साधन भी नहीं है, वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगी? तो हम बस सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बहनों को पेंशन दी जाए और उनको जो हमारी बहन जी ने बताया एक मुश्त जो है वो 5 लाख कम से कम धनराशि दी जाए। और ये कम से कम 30,000 के आसपास तो दी जाए। रिटायरमेंट पे हमें फंड दिया जाए, जो भी जिस तरह से दे, ये 5,000 के मानदेय पे क्या होगा 5,500 के मानदेय पे, वो भी टाइम से नहीं मिलता है बिल्कुल। और हमारी बहनों से जुलाई का काम करवाया गया लेकिन उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा। दो तीन इस बार तो 3 महीने हो गए, तो अब आइए 2 महीने का फिर भी नहीं आया है।